क्या खतरे में है? जय श्री राम, जय श्री राम, कट्टर हिंदू, जय श्री राम करते रहो, जय श्री राम बोलते रहो। जय श्री राम के नाम पर पूरा आतंकवाद फैला रखा है। सवाल पूछे जा रहे हैं तो इनके पास जवाब नहीं है और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और किसी के पास जो है बोलने की हिम्मत नहीं है। ऑन कैमरा कोई बात नहीं करता। पूछा गया कि हिंदू कैसे खतरे में है तो इनके पास जवाब नहीं है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां अखिल भारतीय हिंदू महासभा से बड़ी संख्या में जो है वो लोग यहाँ जंतर मंतर पर पहुँचे हैं और हिंदुओं की रक्षा की मांग करने पहुँचे हैं। क्या कहेंगे हिंदू, क्या खतरे में है? जय श्री राम। हिंदू खतरे में है क्या? जय श्री राम। हिंदू के हिंदू प्रधानमंत्री हिंदू है सब। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के अलावा और कुछ नहीं आता। जय श्री राम, कट्टर हिंदू, कट्टर हिंदू, जय श्री राम करते रहो, जय श्री राम बोलते रहो। जो कट्टर हिंदू के नाम पर आतंकवाद फैला रखा है, जय श्री राम, जय श्री राम, और कुछ नहीं आता। क्या हिंदू किस तरीके से खतरे में है? हिंदुओं के मंदिर क्यों तोड़े जाते हैं बताओ? चलो हिंदुओं के मंदिर हटाओ, उज्जैन महाकाल मंदिर पता है आपको? उसके पीछे मीट मच्छी क्यों बेची जाती है? क्यों? मस्जिद नहीं जलाए जा रहे हैं? मस्जिद कहाँ जलाए जा रहे हैं? मस्जिद एक लीटर पानी में एक बूंद चला गया तो कुछ हो गया? हरियाणा में अभी मस्जिद जलाया गया ना, कितने लोग मरे, कितने लोग मरे? इमाम को मार दिया गया मस्जिद में। कितने लोग मस्जिद में? एक मरा हिंदू, कितने मरे? 50। उसमें मेरे जैसा एक बेटा होगा, वो पढ़ लिख रहा होगा, कॉलेज के जाके आया होगा, उसके भी सपने होंगे कहाँ पास जाने के। वो मरा कुछ नहीं, उसके माँ बाप के लिए कुछ नहीं। कहा जा रहा है कि बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेश्वर ने उसको भड़काया है। क्यों भड़काया? कैसे भड़काया गया? वो मारे कुछ नहीं, बोला गया कि जीजा आ रहा है। तो ये लोग जो है हिंदू खतरे में ले हैं, इसका नारा लेकर जो है यहाँ पर जय श्री राम के साथ नारा लेकर पहुँचे हैं और जो है जय श्री राम सिर्फ नारा लगा रहे हैं। सर क्या कहेंगे, कैसे हिंदू खतरे में है? हिंदू कैसे खतरे में है बताएंगे जरा, किस तरीके से हिंदू खतरे में है? हिंदू खतरे में कैसे है? जागना हमको है, आपको है, हिंदू। आप यहाँ पर हिंदू बचाओ का नारा लेकर आ रहे हैं, हिंदू कैसे खतरे में है जरा बताएंगे? हिंदू खतरे में ये मैम, अभी क्या नाम है ये, आइए। आपने साफ तौर पर देखा, हमने तमाम लोगों से जो है यहाँ पर बात करने की कोशिश की है, कोई जो है कैमरे पर बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा, किसी की मुंह नहीं खुल रही है। मुंह खुल रहे हैं तो सिर्फ जय श्री राम कर रहे हैं, जय श्री राम के नाम पर जो है नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर राष्ट्रगान चल रहा है, राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते हैं और ये जय श्री राम का नारा लगा, जय श्री राम के नाम पर पूरा आतंकवाद फैला रखा है। सवाल पूछे जा रहे हैं तो इनके पास जवाब नहीं है और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और किसी के पास जो है बोलने की हिम्मत नहीं है। ऑन कैमरा कोई बात नहीं करता, सब जाके मना कर देते हैं कि कैमरे पे इनको नहीं बोलनी है, कैमरे पे बाइट नहीं देनी है। आपने साफ तौर पर कैमरे पे देखा, हमने तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की, किसी ने भी हमसे ऑन कैमरा बात नहीं किया, लेकिन कैमरे के पीछे जो है ये चिल्ला रहे हैं, राष्ट्रगान का अपमान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऑन कैमरा इनकी हिम्मत नहीं है। क्या कर बात करिए, हिंदू बचाओ का नारा लेकर आए हैं। पूछा गया कि हिंदू कैसे खतरे में है तो इनके पास जवाब नहीं है। मंदिर मस्जिद तोड़े गए हैं, इसका दलील दे रहे हैं कि जो हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। काउंटर सवाल करने पर इनके पास कोई भी जवाब नहीं है, आपने साफ तौर पर देखा। ये है इनके हिंदू बचाओ का नारा और ये है इनकी जो है राजनीति, जय श्री राम के नाम पर जो राजनीति और दंगा फसाद फैलाया जा रहा है, ये है उसकी असलियत। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित।